सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिविजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बातों को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में शरीर में गति भाग 2 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में विद्युत धारा भाग 2 के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम शामिल होंगे क्लास 8 में और पढ़ाई करेंगे जल प्रदूषण भाग 2 की। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्यालय के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। पिछली बार हमने ये जाना कि गांधी जी मुजफ्फरपुर में 4 दिन रुके और वहाँ कृपलानी जी गांधी जी के साथ रहे। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी मोतिहारी पहुँचे और वहाँ से जसौली पट्टी के लिए निकले। रास्ता तय करते हुए वे धरणीधर बाबू एवं रामनवमी प्रसाद के साथ चंद्र रहिया पहुंचे और वहां उन्हें पुलिस का दारोगा मिला। दारोगा ने गांधी जी को कहा, आपको मोतिहारी लौटने का आदेश कलेक्टर ने भेजा है। गांधी जी ने धरणीधर बाबू एवं रामनवमी प्रसाद से कहा, आप लोग जसौली पट्टी चले जाइए
और वहां की घटना की पूरी जानकारी लेकर आइए। मैं मोतिहारी वापस जा रहा हूँ। गांधी जी दारोगा के साथ मोतिहारी वापस चले गए। गांधी जी को नोटिस दिया गया और नोटिस में लिखा था, आपके चंपारण आने से शांति भंग होने का डर है, इसीलिए 144 धारा के तहत आप तुरंत मोतिहारी छोड़ दें। और गांधी जी ने इसके जवाब में लिखा, मुझे खेद है कि मेरी स्थिति को बिल्कुल गलत समझा गया है। मैं लोगों की दुख तकलीफ जानने आया हूँ, इसलिए मैं चंपारण से नहीं जाऊंगा। चाहे जो भी दंड हो उसे सहने के लिए मैं तैयार हूँ। गांधी जी पर 144 धारा लगाने की नोटिस मिस्टर हिकॉक जिला मजिस्ट्रेट ने उसी दिन भेज दी। और उधर गांधी जी ने एचएस पोलक, पंडित मदन मोहन मालवीय जी और राजेंद्र प्रसाद को इस मामले की सूचना दी। सीएफ एंड्यूस को मोतिहारी आने के लिए तार दिया गया। 16 अप्रैल 1917 को मिस्टर मोशेड ने एक लंबी रिपोर्ट बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी के पास भेजी, जिसमें गांधी जी से हुई बातों का सारांश था। और फिर 17 अप्रैल 1917 को देहातों से इजहार लिखे जाने की तारीख मुकर्रर की जा चुकी थी, इसलिए बहुत से रैयत आए और गांधी जी के सामने इजहार लिखवाने लगे। गांधी जी जान गए कि आज्ञा उल्लंघन करने हेतु अवश्य जेल जाना होगा। मजिस्ट्रेट ने लिखा कि 144 धारा के अनुसार आप पर अभियोग लगाया जाएगा, इसलिए आपको 18 अप्रैल 1917 को 12:30 बजे डिविजनल अफसर की कचहरी में उपस्थित होना है। 18 अप्रैल को गांधी जी कचहरी गए। हजारों लोगों की भीड़ थी। लोगों के अंदर घुसने के प्रयास में कोर्ट की खिड़कियों के शीशे टूट गए। अंग्रेज अधिकारी चिंतित हो गए और वहां तैनात अफसर ने गांधी जी से कहा कि कृपया आप लोगों को शांत कराइए। गांधी जी ने उपस्थित लोगों से बोला, आपकी सेवा के लिए यहाँ पर आया हूँ, कृपया शांति बनाए रखें। और गांधी जी के इतना कहते ही पूरी जगह शांति छा गई। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि कोर्ट में गांधी जी ने मुकदमा किस तरह लड़ा। जीशान और सिकंदर कल रहीम चाचा की परीक्षा में सफल रहे। इस परीक्षा में रहीम चाचा ने उनसे अस्थियों, पेशियों और शरीर के विभिन्न अंगों के चलन से संबंधित प्रश्न पूछे थे। आज विद्यालय में जीशान के मन में ख्याल आया, मनुष्यों के अलावा बहुत से जीव भी तो चलते फिरते हैं। उनमें से कई जीवों का गति में आना मनुष्य से अलग होता है, शायद इसलिए क्योंकि उनके अंगों की संरचना मनुष्यों से अलग होती है। जीशान अपने विचार सिकंदर को बताता है ताकि इस बात पर अच्छे से चर्चा करी जाए। सिकंदर ने कहा, क्यों ना रविवार को चिड़ियाघर की सैर करी जाए। दोनों ने इस बारे में विद्यालय के पुस्तकालय में भी अध्ययन किया। आखिर रविवार के दिन दोनों चिड़ियाघर पहुंच गए, जहां भिन्न प्रकार के जानवरों को देखने का मौका मिला। सबसे पहले वे सांपों के बाड़े के पास पहुंचे। वो देखो सिकंदर, वो अजगर कैसे धीरे धीरे आगे की ओर सरक रहा है। हाँ, जैसे कि मैंने पढ़ा था, यह अंग्रेजी के सा या एस अक्षर की तरह अपने शरीर से वलय बनाता है और पिछले वाले वलय से आगे के शरीर को धक्का देता है। वास्तव में यह केवल उस स्थान पर धक्का देता है जहाँ उसका शरीर मुड़ता है। मजे की बात यह है कि एक तरफ के धक्का देने से यह सांप बाईं तरफ आगे मुड़ता है और फिर इसे दूसरी तरफ से भी वैसे ही धक्का लगाना पड़ता है, तब यह दाईं ओर मुड़ पाता है। ऐसे करते हुए वह आगे की तरफ बढ़ता है। अच्छा, इसलिए सांप चलते हुए अंग्रेजी के एस जैसे निशान बना देता है। काफी रोचक बात है। अरे, वहाँ एक शुतुरमुर्ग दिखाई दे रहा है, चलो उसे देखने चलते हैं। वाह, ये कितना बड़ा पक्षी है। मैंने आज तक शुतुरमुर्ग सिर्फ किताबों में ही देखा था। पता है, ये उड़ नहीं सकता।
हाँ, और जानते हो, एक शुतुरमुर्ग इतनी जोर से लात मार सकता है कि अगर सर पे लग जाए तो जान ही चली जाए। यहाँ शुतुरमुर्ग के बारे में यह भी लिखा है कि यह दो पैरों पर दौड़ने वाला दुनिया का सबसे तेज प्राणी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज दौड़ सकता है। क्या ये सच में शानदार जीव है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जीशान, बत्तखें ये जल, स्थल, आसमान और इधर से उधर कहीं भी जा सकती हैं, यानी गति में आ सकती हैं। ये चलती भी हैं, तैरती भी हैं, उड़ती भी हैं और मजेदार गोते भी लगा लेती हैं। ये तो पक्षियों की सुपरमैन है। ये देखो, यहाँ लिखा है बतख के पंजों में झिल्लियाँ होती हैं, जो इनके तैरने में सहायता करती हैं। लेकिन इन झिल्लियों की वजह से ये जमीन पर ज्यादा तेजी से चल नहीं पाती। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। वैसे सिकंदर, मेरे घर पर भी कोई है जो चल सकता है, तैर सकता है और उड़ सकता है। कौन? तिलचट्टा। तिलचट्टा ये तीनों काम कर सकता है। तिलचट्टे के 6 पैर होते हैं। उसकी पेशियां उसे तेजी से चलने में मदद करती हैं। ये पेशियां इतनी ताकतवर होती हैं कि तिलचट्टा आसानी से दीवारों पर चढ़ जाता है। उसके पंख भी होते हैं जो कि उसे कुछ समय तक उड़ान भरने में सक्षम बनाते हैं। छी, तिलचट्टा कितना अजीब और डरावना होता है। चलो कोई और शानदार जानवर देखते हैं, क्यों ना मछली घर चलें? जीशान, मछलियों की संरचना हमसे बहुत अलग होती है। इनकी पसली पंजर ही मुख्यतः शरीर का आधारभूत ढांचा होता है और हाथ पैरों की बजाय इनके हल्के हल्के पंख होते हैं। हाँ, इनके शरीर की ऐसी संरचना की वजह से पानी आसानी से इनके आसपास से होकर बह जाता है। इनके चपटे पंख और पूंछ दिशा बदलने और तैरने में सहायता करते हैं। क्या तुमने पनडुब्बियों की तस्वीरें नहीं देखी? उनकी आकृति भी तो ऐसी ही होती है, बीच से मोटी और आगे और पीछे से संकरी। सही कहा। वैसे यहाँ मछलियों के अलावा भी कई अद्भुत जीव हैं। ये देखो, समुद्री घोड़ा, जो कि शायद दुनिया का सबसे धीमा तैरने वाला जीव है। और यहाँ है कछुए, जेलीफिश और ऑक्टोपस। मुझे समुद्री जीवों में सबसे अद्भुत लगता है ऑक्टोपस। जानते हो, उसके हाथ या पैर नहीं बल्कि 8 टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स कहा जाता है इसकी 8 भुजाओं को। ये हमारी जीभ की तरह लचीले होते हैं। ऑक्टोपस के टेंटिकल्स उसे चलने में सहायता करते हैं। उसकी और भी कई खूबियां होती हैं, जैसे कि, अरे बस, शाम हो गई, जल्दी घर चलो नहीं तो डांट पड़ेगी। मैंने गति के बारे में खूब सीख लिया, अब मैदान में घोड़े की तरह दौड़ूंगा। हाँ, समुद्री घोड़े की तरह। विद्युत धारा भाग 2। नमस्ते बच्चों, पिछले वीडियो में आपने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में आप विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानेंगे। चलिए, इस विषय के बारे में चर्चा करने के लिए हम रघु और राम के पास रामपुर जाएंगे। इस वीडियो का उद्देश्य विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानना। रघु चाचा की दुकान जंकयार्ड में क्रेन को देखो, लोहे के सामान को कैसे अलग कर रहा है। हाँ राम, लेकिन इस क्रेन में चुंबक कहाँ है? रघु, तुमने ठीक कहा, यह तो चुंबक जैसे दिख ही नहीं रहा। क्रेन के बीच एक लोहा है और चारों ओर एक तार लिपटा हुआ है। यह लोहे को आकर्षित कर रहा है। राम, हमें इस यंत्र के बारे में पता लगाना ही है। हाँ यार, इस बात का जरूर पता लगाएंगे। चलो चलो, मेरे पिताजी से पूछते हैं, शायद उनको कुछ पता हो। भैया देखो देखो, मुझे क्या मिला, एक चुंबक।
देखो, यह लोहे के सिक्के इस चुंबक से कैसे चिपक रहे हैं। अरे वाह, ये सिक्के अधिकतर कोनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और बीच में ज्यादा चिपक नहीं रहे हैं। ठीक कहा तुमने। पता है मीरा, रघु और मैं एक क्रेन देखकर आ रहे हैं जो बड़े बड़े लोहे के सामान को आकर्षित कर रहा था, लेकिन वह क्रेन तो बीच में भी लोहे को आकर्षित कर रहा था। अच्छा हाँ, रघु और मैं उसके पिताजी की दुकान में जाएंगे और इसके बारे में पूछेंगे। मैं जल्दी से कुछ खा लेता हूँ। भैया मैं भी चलती हूँ। राम राम, चलो हम पिताजी की दुकान में जाएंगे। चलो मीरा चलो। नमस्ते चाचा जी, मैंने और रघु ने आज सुबह एक क्रेन को देखा था। वह क्रेन तो बड़े लोहे की चीजों को अलग कर रहा था, लेकिन हमें उस क्रेन में कोई चुंबक दिखाई नहीं दिया। देखो, मेरे पास एक चुंबक है और लोहे का चूरा है। राम, तुम इस चूरे को कागज पर डालो। अभी इस पर चुंबक रखो और कागज को आराम से हिलाओ। चाचा जी, यह लोहे का चूरा तो कोनों के तरफ चला गया है। रघु, तुम इधर आओ और इसे देखो। तुम यहाँ क्या देख रहे हो? पिताजी, आपने एक लोहे की कील पर तांबे के तार को घुमाया है, फिर आपने इसे एक बैटरी से जोड़ा है। अब जब मैंने स्विच को दबाया तो क्या हुआ? लोहे के चूरे को इस लोहे की कील ने आकर्षित किया। यह चूरा तो बीच में भी इस कील से चिपक गया। यह कैसे हुआ? यहाँ पर कोई चुंबक नहीं था। हाँ ठीक कहा, यह इसीलिए संभव हुआ क्योंकि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ संकेंद्रिक वृत्तों या गोलाकार रूप में होता है। क्या इसका मतलब है कि बिजली का प्रभाव चुंबक जैसा है? हाँ सही कहा, दरवाजे की घंटी भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। वो कैसे पिताजी? देखो, मेरे पास एक पुरानी घंटी है। क्या तुम इस लोहे की रॉड को देख रहे हो? यही विद्युत चुंबक का काम करती है। जब इसके कॉइल में विद्युत धारा जाती है, तब यह हथौड़ा यानी गोंग जाकर घंटी बजाता है। अच्छा, आप समझ में आया। पिताजी, और किन किन उपकरणों में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है? कई उपकरणों में, जैसे पंखे, विद्युत क्रेन। जो कबाड़ी चाचा की दुकान में आज क्रेन देखी थी, वह भी चुंबकीय प्रभाव से ही काम कर रही थी। बच्चों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर और कौन से उपकरण काम करते हैं, आप पता लगाइए और सूचीबद्ध कीजिए। बच्चों, जैसे कि आपने देखा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव रहता है और यह स्थायी चुंबक से काफी अलग है। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। जब विद्युत धारा बंद हो जाती है, उसका चुंबकीय प्रभाव भी खत्म हो जाता है। इसकी शक्ति बदली जा सकती है। यह कई बार स्थायी चुंबक से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। Mm-hmm.
सानिया, ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने जानने में मदद करती हैं। कबीर सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। पिछले पाठ में हमने सीखा कि वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और ये गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं अगर हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। सूखी पत्तियों को जलाने के बजाय खाद बनाएं। गाड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करने के लिए सीएनजी का इस्तेमाल करें। ऐसे उपकरण खरीदें जिनमें सीएफसी ना हो। औद्योगिक क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक रसायन हवा में मिलकर अम्लीय वर्षा का कारण बन सकते हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम और भी बहुत सी चीजें कर सकते हैं। अपने पड़ोसियों से इस बारे में बात करें। दुकानदारों को पॉलीथीन इस्तेमाल करने से मना करें। खाद दान बनवाने के लिए ग्राम पंचायत से आग्रह करें। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल करें जिसमें सीएफसी ना हो। क्या हुआ सानिया, तुम बहुत उदास दिख रही हो। मैं बहुत दुखी हूँ मम्मी। मेरी दोस्त इशिता और नैना पेट दर्द की परेशानी के कारण क्लास नहीं आ रही हैं। टीचर ने बताया कि उन्हें डायरिया हुआ है। ये तो बहुत दुख की बात है। घर आते समय तुम उनसे मिली। हाँ मम्मी, इशिता की मम्मी बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने इशिता की मम्मी से कहा कि दूषित पानी के कारण ये बीमारी हुई, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे हुआ। वो तो पानी फिल्टर करते हैं। सानिया, कई बार विशेष रूप से बारिश के मौसम में पानी बहुत दूषित रहता है। अगर इसे ठीक से फिल्टर नहीं किया गया तो हमें नुकसान पहुंच सकता है। चलो अच्छा है मम्मी, हम सब फिल्टर किया हुआ पानी पीते हैं, वरना हम सभी बीमार पड़ सकते हैं। और अभी मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ सकती।
मुझे डांस का अभ्यास करना है और मेरी परीक्षा भी आने वाली है। मैं स्कूल से छुट्टी नहीं करना चाहती। परेशान मत हो सानिया, मेरे साथ किचन में आओ। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं पीने के पानी को कैसे शुद्ध करती हूँ। अपने अनुभव और विज्ञान की किताब के अनुसार पानी में कोई गंध कोई रंग नहीं होना चाहिए और बैक्टीरिया और प्रदूषकों से मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल सही सानिया। दोस्तों, क्या आप अपनी विज्ञान की पुस्तक के पाठ 18 में देखकर मुझे यह बता सकते हैं कि पीने लायक जल के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है? मम्मी, नल का पानी तो पीने लायक लगता है, फिर भी हम उसे फिल्टर करते हैं। सही कह रही हो, ज्यादातर पानी साफ लगता है लेकिन वो साफ होता नहीं है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मुझे बताओ तुमने क्या देखा? आपने जो पानी भरा था वो फिल्टर होकर नीचे आ रहा है और जो गंदगी थी वो कैंडल और फिल्टर की अंदर की दीवार पर चिपकी हुई है। बिल्कुल सही। अब तुमने देखा स्वच्छ दिखने वाले पानी में भी गंदगी निकलती है जब उसे फिल्टर करते हैं। मैंने 2 दिन पहले ही कैंडल को साफ किया था और फिर भी इस पर गंदगी की परत है। मम्मी, इशिता और नैना कैसे बीमार हो गईं जबकि वो तो पानी को फिल्टर करती हैं? बारिश के मौसम या जब मौसम बदलते हैं तब कई बार वातावरण में जीवाणु या विषाणु पाए जाते हैं। इनसे हमें सतर्क रहने की जरूरत होती है। इस तरह के फिल्टर गंदगी जीवाणु विषाणु जंग आदि को हटाने में सक्षम है, लेकिन कई विषाणु पानी में रह जाते हैं जिन्हें हटाने के लिए अतिरिक्त कदम की आवश्यकता है। मैं जानती हूँ, पानी को उबालना। बिल्कुल, और समय समय पर फिल्टर को साफ भी करते रहना चाहिए। अब मुझे लगता है मैं पानी पीकर बीमार नहीं होंगी। सच में हर दूसरे दिन गोलगप्पे के बारे में क्या ख्याल है? सॉरी मम्मी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि जो पानी मैं अपने घर और स्कूल में पी रही हूँ वो अच्छी तरह से फिल्टर किया हुआ है। अब मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि जो मानव द्वारा कार्य किए जाते हैं क्या वो पानी को दूषित कर रहे हैं। चलो कबीर भैया की मदद से पता करते हैं। भैया, क्या आप जल प्रदूषण के बारे में और जानने में मेरी मदद करेंगे कि इसे कैसे रोका जाए? हाँ जरूर, बताओ तुम्हें कैसी मदद चाहिए? सबसे पहले मैं यह जानना चाहती हूँ, घरेलू कार्य कैसे जल प्रदूषण बढ़ा रहे हैं? हम अपने मोहल्ले में ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जिससे जल प्रदूषण बढ़ता है? चलो शुरू करते हैं। हम घरों में किस किस जगह पानी का इस्तेमाल करते हैं और यह कैसे जल प्रदूषण को बढ़ा रहा है, यह नोट करो। ठीक है। दोस्तों, क्या आप 3 ऐसे कार्य बता सकते हैं जहां हम पानी इस्तेमाल करते हैं और वह जल प्रदूषण को बढ़ा रहा हो? नहाने, कपड़े धोना, बर्तन धोना। बिल्कुल सही। हम और क्या करते हैं? दांतों को ब्रश करना, सब्जियों को धोना, टॉयलेट फ्लश करना, हमारे घरों की सफाई, वाहनों की सफाई। वाह, सूची तो अच्छी है। चलो अब चलकर देखते हैं कि हमारे इलाके कैसे जल प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। मम्मी, क्या आप हमारे साथ चलोगे? साथ में जाना अच्छा रहेगा। जरूर, चलो चलते हैं। सानिया, यहाँ देखो, हमारे मोहल्ले के नजदीक ये कुछ फैक्ट्रियां हैं जिनसे निकलने वाला गंदा पानी जाकर नदियों में मिलता है। इस अनुपचारित पानी के कारण जल प्रदूषण बढ़ता है। मोहल्लों के घरों या शौचालयों का गंदा पानी भी नालों के द्वारा सीधा नदी में मिलता है, इससे भी जल प्रदूषण बढ़ रहा है। सही, मैं यह नोट कर लूंगी। हम आगे कहाँ जाएं? आओ नदी पर बने पुल पर चलते हैं,
वहाँ बहुत सारी चीजें देखने और सीखने को मिलेंगी। ठीक है। ये देखो, कारखानों से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट नदियों में मिलता है, ये भी एक प्रमुख कारण है जल प्रदूषण का। आजकल हमारे घरों तथा मोहल्लों से निकलने वाला कचरा भी नदी नालों के किनारे फेंक दिया जाता है। पानी में मिलकर यह ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, जिसके कारण जलीय जीव मर जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको दूषित और प्रदूषित पानी में अंतर पता है? कौन ज्यादा नुकसानदेह है? इंसानी कार्यों के कारण नदी नाले के बराबर लगने लगी है। हमने अपनी पुस्तक में पढ़ा था गंगा नदी लगभग खत्म हो गई है, क्योंकि नदियों में इतनी भारी मात्रा में प्रदूषण और दूषित पदार्थ मौजूद हैं। इसे पहले जल उपचार संयंत्र से फिल्टर किया जाता है, फिर घरों में भेजा जाता है। मुझे लगता है मैंने जल प्रदूषण के कई उदाहरण देख लिए हैं। अब कुछ उपाय चाहिए। चलो घर चलें। सानिया, तुमने जल प्रदूषण कम करने के उपाय सोचे? हाँ, मैंने कुछ उपाय सोचे, लेकिन अकेली नहीं कर पाऊंगी, मुझे आपका और भैया का साथ चाहिए। बताओ, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? हम अपने घर से ही कुछ उपाय करना शुरू कर सकते हैं। हम बर्तन को धोने के बाद साबुन के पानी को गाड़ी धोने में काम ला सकते हैं। सब्जियां धोने के बाद बचे हुए पानी को टॉयलेट में डालने या फर्श साफ कर सकते हैं। बारिश के पानी को हम भूमिगत पानी भंडारण में इकट्ठा कर सकते हैं। हम बहते नलों को ठीक करेंगे जिससे जल बच सके। यह बहुत अच्छे सुझाव है सानिया। मोहल्ले में क्या उपाय किए जा सकते हैं? यह थोड़ा मुश्किल है, यहाँ मुझे आपकी मदद चाहिए। पानी को फिल्टर करने की जरूरत है। इसके बारे में हमें लोगों को सूचित करना होगा। फिर हमें हमारे मोहल्ले की समिति को मंदिर के फूलों के खाद के लिए गड्ढा बनाने हेतु पत्र लिखना होगा, जिससे वे नदियों में ना जाएं। जो लोग नदी के किनारे कपड़े धोते हैं, क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? इसके लिए हमें नगर निगम से भी बात करनी होगी। सानिया, तुमने बेहतरीन उपाय सोचे हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, पर मैं तुम्हारे साथ लोगों से बात करने चलूंगी। मैं मोहल्ले की समिति को खाद के गड्ढे के लिए पत्र लिखने में तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया मम्मी और भैया, आप लोग मेरी मदद करेंगे तो हम साथ साथ कुछ तो बदलाव जरूर ला सकते हैं। दोस्तों, मम्मी और कबीर जल प्रदूषण कम करने के लिए मेरी मदद करने को तैयार हैं। आप अपने मोहल्ले में जल प्रदूषण कम करने के लिए क्या करोगे? हमने सीखा कि पीने लायक पानी को पेयजल कहते हैं। पेयजल में रंग, गंध, प्रदूषण, केमिकल और वायरस नहीं होते। पेयजल बनाने के लिए उबालना और फिर सूती कपड़े से छानना, फिल्टर का प्रयोग करना। पानी गंदा होता है जब हम घर के काम या फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करते हैं। जब बड़ी मात्रा में गंदा पानी बिना फिल्टर किए नदियों में डाला जाता है, तब नदी और जीव जैसे मछली को नुकसान पहुंचता है। शहरों की आबादी के द्वारा इस्तेमाल किया गया जल नदी में नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसी नदी से उस शहर का पेयजल भी लिया जाता है। शहर का कूड़ा भी नदी में नहीं बहाना चाहिए। जो लोग नदी के किनारे रहने को मजबूर हैं, उनके लिए वैकल्पिक आवास और पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी को पेयजल के स्रोतों को साफ रखने की जानकारी देनी चाहिए। नदियों और जीवों को बचाने के लिए डायरिया, टाइफाइड, कॉलरा आदि से बचने के लिए जल प्रदूषण कम करना जरूरी है। जैविक कूड़े का इस्तेमाल खाद बनाने के लिए या जानवर को खिलाने के लिए किया जाना चाहिए। पानी का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, जहां तक हो सके उसके पुनः
उपयोग के तरीके निकालने चाहिए। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो, तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस जानवर के एनक्लोजर के पास चलेंगे वो देखने में बेहद आकर्षक और सुंदर लगता है। हम बात कर रहे हैं साहिल के बारे में। इनके शरीर के बाल काफी मोटे, मजबूत और नुकीले होते हैं। इन बालों को साहिल का कांटा भी कहा जाता है। ये इतने कड़े होते हैं कि किसी को भी भेद सकते हैं और इसी से ये अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा करते हैं। इनके आगे का पैर बेहद मजबूत होता है, इतना मजबूत कि इससे ये अपने मांद की भी खुदाई करने में सक्षम होते हैं। ये भारत में मुख्य रूप से पहाड़ों के किनारों पर और जंगलों में पाए जाते हैं। ये दिन के अपेक्षा रात में ज्यादा सक्रिय रहते हैं। दिन में ये ज्यादातर अपने मान में सोते हैं। साहिल हमेशा जोड़े में ही रहते हैं। सिर्फ खाना खोजने के समय ये अकेले रहते हैं। साहिल काफी अच्छे तैराक होते हैं, लेकिन ये ना तो अच्छे पर्वतारोही होते हैं और न ही ज्यादा कूदने में सक्षम। शायद इसीलिए ये पहाड़ों के नीचे जमीन पर प्रकृति द्वारा निर्मित गुफाओं में या स्वयं द्वारा निर्मित मांद में ही रहते हैं। भारतीय साहिल पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं। इन्हें घास, फल, फूल या अनाज खाना ज्यादा पसंद है। साहिल का प्रजनन काल फरवरी से मार्च तक होता है। 240 दिनों के बाद मादा साहिल एक बार में 2 से 4 बच्चे को जन्म देती है। नवजात साहिल लगभग 1 साल तक मांद में ही रहते हैं।
इस दौरान उनके माता पिता दोनों उनका देखभाल करते हैं। इनका जीवन काल 20 सालों का होता है और वजन 11 से 18 किलो। इनकी लंबाई ज्यादातर 70 से 90 सेंटीमीटर तक की होती है। ये एक लार्ज साइज का रूडेंट है, अर्थात ये चूहे के फैमिली से कुतर कुतर कर खाने वाले फैमिली में का सदस्य है। जो शाही होते हैं पोर्क्यूपाइन, इनका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग पूरे विश्व में पाया जाता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, चाइना, इंडिया, यूरोपियन कंट्रीज में भी ये पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये स्ट्रिक्टली नॉक्टर्नल हैं, अर्थात ये रात में ही सक्रिय होते हैं। ये पेड़ पे आसानी से चढ़ सकते हैं और ये अपना मांद बनाकर रहना पसंद करते हैं। इनमें जो एक पिक्युलरिटी पाई जाती है, एक कांटे के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो इनके शरीर पर पाया जाता है, जिसे क्वेल्स कहते हैं। इसके सहायता से ये अपना डिफेंस करते हैं। ये इनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो इन्हें प्रीडेटर से बचाते हैं। और इसके अतिरिक्त ये खास तरह का सेंट भी सेक्रेट करते हैं जब ये किसी भी तरह का इनको असुरक्षा की भावना आती है। इन क्विल्स की संख्या इनके शरीर पर लगभग 30,000 तक हो सकती है, जो क्रिएटिनिन से होता है। और ये बॉडी से निकलने के बाद फिर से इनका रीजनरेशन शुरू हो जाता है। और जब ये ऑफेंसिव होते हैं और तो उस टाइम इनके जो क्विल्स हैं ये खड़े हो जाते हैं और चलने पर एक घुंघरू की तरह इनका आवाज़ आता है, जो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। और ये एक मतलब अपने दुश्मनों को सतर्क करने के लिए एक वार क्राई टाइप का अपने क्विल्स के माध्यम से देते हैं। लंगूर एशियाई बंदरों की विभिन्न जातियों का सामान्य नाम है। इन्हें कहीं कहीं हनुमान बंदर भी कहा जाता है। इनके पूंछ सहित शरीर की लंबाई 150 से 175 सेंटीमीटर तक होती है। इनके पूंछ इनके शरीर से लंबे होते हैं। पूंछ की लंबाई 90 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। मादा नर से छोटी होती है। लंगूर एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाते हुए अगर पहुंचने में असमर्थ हो जाएं, तो अपनी पूंछ के सहारे जमीन पर पांव रखे बिना अपने पूर्व के स्थान पर वापस आ जाते हैं। इनके शरीर का रंग सलेटी और चेहरे, कान, तलुए, हाथ पैर का बाहरी हिस्सा काला रहता है। एक स्वस्थ लंगूर का वजन 16 से 21 किलोग्राम तक होता है। लंगूर बंदरों से कम उछल कूद करने वाले होते हैं और आबादियों की अपेक्षा जंगलों में रहना अधिक पसंद करते हैं, लेकिन कहीं कहीं बस्तियों में भी इनके समूह दिखाई पड़ते हैं। इनका जीवन काल 20 से 30 सालों का होता है। लगभग 6 महीने के गर्भ धारण के बाद मादा लंगूर एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है, जो कुछ समय तक माँ के पेट से चिपका रहता है। माँ अपने बच्चे का बहुत अच्छे से देखभाल करती है। नवजात लंगूर 4 से 5 सालों के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। ये शाकाहारी होते हैं। इन्हें फल, फूल, सब्जियां और पत्ते खाना पसंद है। इसकी संख्या जो होती है खुले में, अगर जंगलों प्राकृतिक वास में देखें तो 10 से 100 के आसपास में इसकी संख्या होती है। और ये काफी धार्मिक दृष्टिकोण से इन्हें हनुमान भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके रख रखाव पे इनके एक्टिविटी गतिविधि करने के लिए झूले इत्यादि की व्यवस्था की गई है। रख रखाव पे ध्यान देना पड़ता है, चूँकि मौसम के हिसाब से इन्हें भोजन और आवासन की व्यवस्था की जाती है। मूल रूप से इन्हें हम लोग भोजन में मूंगफली, चना और फल देते हैं। अभी विशेषकर गर्मी में हम लोग इन्हें तरबूज देते हैं और जाड़े में इन्हें गुड़ और शहद भी हम लोग देते हैं। इनके रख रखाव में प्रतिदिन केज की सफाई की जाती है, इनके पूरा केज पर ध्यान देना पड़ता है। साहिल अपने आकर्षक रूप और कांटों के कारण और लंगूर अपने एनक्लोजर में अपनी चंचलता के कारण चिड़ियाघर में आने वाले दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शक इनके एनक्लोजर के पास जरूर आते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर के एनक्लोजर के पास चलेंगे और जानेंगे उसके बारे में कुछ अनोखी बातें। मोर पृथ्वी पर मौजूद सभी पक्षियों में सबसे सुंदर और आकर्षक है।
इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी होने का गौरव भी हासिल है। ये अपने रंगीन पंखों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर शानदार नृत्य के लिए संसार भर में प्रसिद्ध हैं। इनके पंख मलमल के वस्त्र जैसे कोमल होते हैं। गर्दन पतली और सुराहीदार होती है, जो देखने में सुंदर, नीला और मखमली लगता है। मोर के खूबसूरत रंग बिरंगी पूंछ या पंखों को ट्रेन भी कहा जाता है। इसमें लगभग 150 पंख होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये एक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और इसे 26 जनवरी 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। पटना जू में दो तरह के वेरिएंट हैं इसके, एक वाइट पीफॉल है और एक कलर्ड है। जो वाइट पीफॉल है इनकी संख्या 3 है और इन्हें विगत वर्ष बनलूर जू से लाया गया था, और जो कलर्ड हैं इनकी संख्या लगभग 16 है। इनकी काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग पटना जू में हो रही है। लास्ट ईयर भी लगभग 12 से 15 जो हैचिंग हुआ था उनके बच्चों का वो हुआ है, और हम लोग का प्लान है कि इसे हम लोग वाइल्ड में रिलीज करेंगे या जू में खुले में रखेंगे स्वच्छंद रूप से। जो मोर हैं ये फिजेंट्स होते हैं। फिजेंट्स अर्थात वैसे पक्षी जिसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। जो इसके मेल होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, उनके फीदर्स जो होते हैं काफ़ी बड़े और अट्रैक्टिव कलरफुल होते हैं, और बनिस्पत जो फीमेल होती हैं वो उनमें फीदर्स और उस तरह के नहीं होते हैं, वो उतने अट्रैक्टिव देखने में नहीं लगते हैं। मोर के पैरों का रंग मटमैला होता है और आंखें छोटी होती हैं। इनका वजन 2.75 किलोग्राम से 6 किलोग्राम तक होता है। नर मोर की लंबाई लगभग 215 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर होती है, और मादा मोर की लंबाई लगभग 95 सेंटीमीटर होती है। मोर सर्वाहारी होते हैं। इन्हें अनाज, फल, चींटियां, दीमक, छोटे कीट और सरीसृपों को खाना बेहद पसंद है। इनका वजन अधिक होने के वजह से ये ज्यादा लंबे समय तक उड़ नहीं सकते हैं, इसलिए ये उड़ने के जगह चलना पसंद करते हैं। ये बेहद शर्मीले और चौकन्ने होते हैं, इसलिए इन्हें जंगल में रहना अधिक पसंद है। ये मुख्यतः जंगली पक्षी होते हैं, लेकिन भोजन की तलाश इन्हें कई बार मानव बस्ती तक ले आती है। इनके सुनने की शक्ति काफी अधिक होती है। ये काफी दूर तक आवाज को सुनने की क्षमता रखते हैं। मोर आमतौर पर जंगलों में स्थायी जल स्रोतों के पास झाड़ियों में या बड़े बड़े घास के मैदानों में देखे जाते हैं। इनका जीवन काल 20 से 25 वर्षों का होता है। मोर सामाजिक पक्षी होते हैं। इन्हें परिवार बनाकर या समूह में रहना पसंद है। इनके समूह में एक मोर और 4-5 मोरनी के अलावा इनके बच्चे होते हैं। मोर सामान्यतः 2 से 3 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनका प्रजनन काल जनवरी से सितंबर तक होता है। ये एक बार में 4 से 6 अंडे देते हैं। अन्य पक्षियों की तरह मोरनी अंडे देने के लिए घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि जमीन पर ही सुरक्षित स्थान खोजकर अपने अंडे को देती है। विश्व में पाए जाने वाले सभी मोर की प्रजातियों में सबसे खूबसूरत और आकर्षक मोर भारत में ही पाए जाते हैं। इनके समूह को अंग्रेजी में पी फाउल के नाम से जाना जाता है, जबकि इनके बच्चे पी चिक्स कहे जाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में मोरों के रख रखाव पर काफी ध्यान देना पड़ता है। मोरों के आहार में हम लोग यहाँ पे पालक, लहसुन, प्याज, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, धान इत्यादि हम लोग देते हैं। बर्ड मेस भी दिया जाता है भोजन के रूप में। संजय गांधी जैविक उद्यान में एक प्रयोग भी किया गया है, सुपर वॉर्म भी हम लोग पक्षियों को यहाँ पे आहार के रूप में देते हैं, जो कि पक्षियों के लिए काफ़ी पोषक तत्व सुपर वॉर्म में पाए जाते हैं। पक्षियों के रख रखाव में खास करके विशेषकर मोर के लिए हम लोग यहाँ पे प्राकृतिक वास का उनको आभास देते हैं। केजों में जो है पर्यावरण के दृष्टिकोण से हम लोग तैयार करते हैं केज को, ताकि वो मोर जो है वो अपने आप को प्राकृतिक वास का आभास कर सकें।
गर्मियों के मौसम में पानी का छिड़काव किया जाता है, रेत डाला जाता है और पानी भी बदलाव बराबर घंटे घंटे पर पानी का बदलाव बर्तनों में होता रहता है। जाड़े के मौसम में मोरों के रखरखाव में ध्यान देना पड़ता है कि अत्यधिक जब ठंड पड़ने लगती है या कुहासा चलने लगता है या शीतलहरी जब चलने लगती है तो उस समय उसके छत को हम लोग फूस के से ढक देते हैं ताकि उनको गर्मी महसूस हो सके। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद मोर यहां आने वाले हर उम्र के दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और यहां आने वाले दर्शक इनके एनक्लोजर के पास जरूर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।